किडनी, जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने किडनी में कौन से आसन करने चाहिए जिससे कि किडनी आपकी हेल्दी रहे। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं क्या कौन सा आहार ले या हम किन चीजों से बचे कि जिससे हमारी किडनी डैमेज ना हो और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाए। तो किडनी को देखिए, डैमेज करने में सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, क्योंकि वो रक्त को छानने का काम करती है। अगर ब्लड गाढ़ा होगा, पानी कम मात्रा में होगा, तो उसे अधिक ताकत लगानी पड़ेगी, छान नहीं पाएगी। तो पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब आधे आधे घंटे एक एक घंटे में पानी पिए, जिससे कि आपका शरीर उसको छानने में उसे सुविधा हो। और उसके बाद नमक का सेवन कम करें। नमक, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों से दूरी बनाएं। ये चीज़ें आपकी किडनी को और डैमेज करेंगी। और अब आप इसके बाद, आपको इन चीज़ों से बचने के बाद आप क्या करें, क्या खाएं? आपको इसमें जो आहार लेना है, एक तो पालक बहुत अच्छा है, लहसुन, प्याज, फूल गोभी, हरा धनिया और शिमला मिर्च, ये सब्जियों में किडनी के रोगियों के लिए वरदान है। बहुत अच्छी चीजें हैं ये, आपको जैसे लाल शिमला मिर्च खास करके, तो इन चीजों का प्रयोग करें अपने आहार में। और रोटी के रूप में जौ का दलिया, जौ की रोटी, जौ का आटा या जौ का दलिया आपकी किडनी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं इसके बाद आपको फल बताऊं। फर्स्ट नंबर पे है अनानास, दूसरे नंबर पे है स्ट्रॉबेरी, जामुन, लाल अंगूर, ये चीजें आपकी किडनी की हेल्थ के लिए, ये फल बहुत अच्छे हैं। तो आप इन फलों का सेवन करें। और ये जो सब्जियां बताई हैं, उन सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। जौ की रोटी, जौ का दलिया लें। और एक्यूप्रेशर का मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया है पिछले वीडियो में। और अब मैं आपको एक ड्रिंक बता रही हूँ। आप 1 लीटर पानी उबलने रख दें। अब उसमें जब एक उबाल आ जाए, तो उसमें आप थोड़ा सा धनिया की पत्तियों को डाल दें, और एक नींबू के कुछ स्लाइस आप डाल दें, और उनको उबाल लें 5 मिनट के बाद। और उसके बाद उस पानी को छान करके आप पी लें। एक तो ये किडनी को, उसकी गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। हरा धनिया बहुत अच्छा है किडनी के लिए। अब मैं आपको एक दूसरा और ड्रिंक बता रही हूँ। इसके लिए आपको 2 गिलास पानी लेना है, और 1 कटोरी भुट्टे के बाल, भुट्टा तो सभी खाते हैं, और भुट्टे के जो चारों तरफ गोल्डन कलर के जो हेयर लगे होते हैं, ये किडनी की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। 1 कटोरी भुट्टे के बाल ले लें। और अब इस पानी को, पहले पानी को उबलने रख दें, उबाल आ जाए तब उसमें 1 कटोरी भुट्टे के बाल डाल दें, साथ में 1 नींबू काट के डाल दें, और उसे ढक के मंदी आंच में उबालें। जब वो 1 गिलास रह जाए, तब इसे छान के पी लें। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और तीसरा है गोखरू। गोखरू को या तो उबाल के उसका पानी पी लें, या रात में भिजो दें, जब पानी उसमें मतलब उसका तत्व आ जाए, तो सवेरे उसे छान के पी लें। ये चीजें आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया है, बस सिर्फ नमक के प्रयोग से दूर हों, नमक बहुत कम करें, क्योंकि नमक किडनी के लिए बहुत जहर के समान है। पानी बहुत पिएं, गंदा पानी न पिएं, पानी बिल्कुल स्वच्छ हो या उबाला हुआ हो। तो आप देखेंगे, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, तो ये इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा करके देखें, आप खुद पाएंगे कि धीरे धीरे किडनी की सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो दवा प्रॉपर लें, और उसके बाद इन चीज़ों को अपनाएं,
तो आप देखेंगे डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे कि आपका रोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर किसी किडनी के पेशेंट को जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर उनको ये वीडियो भेजें। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और मैं काफ़ी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही इस वीडियो में डाली हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।